बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास बेटा 10th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर है हमारे पास 15। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 14 है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज बच्चे नए लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका टाइटल है आपके पास इनहेरिटेंस। आपकी बच्चे टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 94, चैप्टर का नंबर है 15 और जो टाइटल है वो है इनहेरिटेंस। बच्चों ये 10th बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से एक है और बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्रू आउट दी बायोलॉजी क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो बच्चे आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से क्या करना है, समझना है, ताकि बच्चे नेक्स्ट भी जो है फर्दर भी जब आप स्टडीज करें तो उसमें भी आपके लिए जो चीज़ें हैं ये हेल्पफुल हो सकें। चलें बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि वर्ड आपने इनहेरिटेंस सुना होगा, इनहेरिटेंस का बेटा अगर हम उर्दू में लफ्ज़ मतलब देखें तो वो होता है विरासत। ठीक है, तो सिंपली विरासत क्या होता है, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। मतलब कि आमतौर पर देखो बच्चों कहा जाता है कि जिस तरह के पेरेंट्स होंगे उस तरह की आगे क्या होगी, औलाद होगी। आप लोगों ने भी कॉमनली देखा होगा कि ऐसे पेरेंट्स जिनकी हाइट अच्छी होती है, जो उनके बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उनकी हाइट भी मोस्टली क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरह से आई कलर और डिफरेंट जो हेयर कलर्स, ये सारी की सारी चीज़ें ये किस में आ जाती हैं, करेक्टर्स में आ जाती हैं। और बेटा हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से कौन से मॉलिक्यूल्स के जरिए जो करेक्टर्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो पेरेंट्स से आपके पास चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग्स में क्या होती हैं, मुंतकिल होती हैं। तो बच्चे एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, डिफाइन जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहली बच्चे डेफिनेशन है आपके पास जेनेटिक्स की। तो हमने बायोलॉजी में आपको पता है कि हम डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम इस ब्रांच में इस चीज की स्टडी करेंगे, इस ब्रांच में इस चीज की स्टडी करेंगे। तो बच्चों जेनेटिक्स आपके पास एक ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर सिंपलेस्ट वे में हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि ये तो हो गई जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अब यहां पे डेफिनेशन में एक की वर्ड यूज हो रहा है, किसका, इनहेरिटेंस का। अब बच्चों हमें इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है, तो भी डेफिनेशन बच्चों आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, के खसूसियात का पेरेंट्स से आगे औलाद में क्या होना, मुंतकिल होना। अब बच्चे बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछली डेफिनेशन में की वर्ड था आपके पास इनहेरिटेंस, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन का मतलब होता है पास आउट होना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होना। करेक्टर्स, अब ये करेक्टर्स क्या हैं, करेक्टर्स बेटा बेसिकली कोई भी ऐसी खसूसियत, कोई भी ऐसी खसूसियत जो कोई खास जीन कंट्रोल कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर। और जो जेनेटिक्स की बेटा लैंग्वेज है, जेनेटिक्स की लैंग्वेज में इसी करेक्टर वर्ड के लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको क्या कहते हैं हम, ट्रेट। ठीक है, ट्रेट इज एनी करेक्टर दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जीन्स क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से कहां पे होते हैं, अपना काम किस तरह से करते हैं, ये भी बेटा थॉरली हम आगे क्या करते हैं, अभी स्टडी करते हैं। फिलहाल हमने भी बेटा तीन डेफिनेशंस बेसिक डिस्कस की हैं, जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और ट्रेट क्या है। ट्रेट की बेटा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपके पास जो हाइट है वो एक एग्जाम्पल हो सकती है ट्रेट की। ठीक है, कलर है, ठीक है, ये हेयर कलर अलग से, आई कलर अलग से, बेटा ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल आ जाएंगी,
ट्रेड के, ठीक है। चलें इसके बाद अब आते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ये किस तरह से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करती हैं, ठीक है। चलें सबसे पहले बेटा जो बात आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो आपके पास डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है। क्या बच्चों? डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये बच्चों आपका क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। अब ये डीएनए कहां पे होता है, ठीक है, इस डीएनए में क्या क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बच्चों जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो उसमें देखते हैं कि हमने डिस्कस किया था तब। ये बच्चों आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर बच्चों स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। अब अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें आपके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और अगर हम उनमें बेटा पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23, ठीक है। अब 23 क्रोमोसोम्स बेटा आपकी मदर वाली साइड से होते हैं मेटर्नल, और जो 23 हैं वो क्या होते हैं? पैटर्नल। अब बच्चों जो डीएनए होता है ना वो इन क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। क्या सिंगल जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही होता है? नहीं। इसका इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये है कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीएनए के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी होती हैं जिनके गिर्द जो डीएनए है वो रैप्ड होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। चलें हमने कह दिया कि डीएनए क्या है बच्चों? हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। फिर देखते हैं जी जीन, जीन बहुत ज्यादा टर्म आगे भी यूज होगी, तो बेटा ये डीएनए का ही एक ऐसा खास हिस्सा है जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जीन की बेटा अगर हम बात करें तो जीन क्या है? अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक करेक्टर, ठीक है। अब बच्चे जैसे हमने पीछे देखा था या स्पेसिफिक ट्रेट यहाँ पे अगर आप कर लो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हम करेक्टर को ट्रेट लिखते हैं कि जो जीन है, कोई जीन बेटा एक ऐसा डीएनए का ही स्ट्रक्चर होगा, डीएनए पूरे में से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होगा जो किसी एक खास फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी है कि कोई जीन आई कलर को कंट्रोल कर रहा होगा, कोई जीन आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहा होगा, कोई जीन आपकी वॉइस को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं बेटा डीएनए के अंदर ही, उनको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक हो गया। चलें ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई आपके पास जीन्स की। अब देखते हैं क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलें अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चे ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं जी क्रोमाटिन से। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, यहाँ अक्सर शॉर्ट में पूछ लेता है व्हाट इज क्रोमाटिन, ठीक है। तो क्रोमाटिन बच्चों आपके पास थ्रेड लाइक मटीरियल है। क्या है? थ्रेड लाइक मटीरियल। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों। डीएनए के साथ साथ जो दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो हैं आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बच्चों ऐसी प्रोटीन्स हैं जो जिनके गिर्द डीएनए ने अपने आप को क्या किया होता है? रैप अप किया होता है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है बच्चों। चलें ये अब मैं आपको बताता हूं कि जो न्यूक्लियोसोम है वो बेटा डीएनए रैप्स इटसेल्फ अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। कैसे बच्चे? देखें
ये हैं जी हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स जिनको हमने क्या कहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहा है? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब होगा क्या बच्चे कि ये जो डीएनए होगा हमारा, ये जो डीएनए होगा ये इस तरह से आपके पास जो डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके गिर्द लिपटा हुआ होगा, इनके गिर्द लिपटा हुआ होगा और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोसोम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी आपके पास कि डीएनए रैप इटसेल्फ, ये जो आपको रेड में बेटा मैंने शो किए हैं, ये हैं आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो ब्लैक में बेटा ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन्स पड़ी हैं, उनके ऊपर इस तरह से जो आपके पास डीएनए का थ्रेड लाइक मटेरियल है, जो डीएनए है बच्चों, वो क्या हुआ है, एक अच्छे से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, जो एक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर, इस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को जिसमें जो डीएनए है वो एक हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब बच्चों देखो ये किस तरह से आपको ये जो फिगर नजर आ रही है कि जिस तरह आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एक लंबी रस्सी लें और उसमें बेटा बहुत सारी जो गिरा लगा दें, ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके पास डीएनए है, आपको न्यूक्लियोसोम, ये इस तरह से अपीयर होते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है या डीएनए की स्ट्रिंग है जिसमें जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और ये इस तरह लग रहा है कि जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है बच्चे, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है, हाउ डीएनए appears as beads on on string। ठीक है बच्चों, तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो एक बड़ा यूनिट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, इस तरह से बेटा डीएनए होगा, डीएनए का ही कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, जिस इसी डीएनए पे कुछ खास रीजंस होंगे जो स्पेसिफिक ट्रेड को कंट्रोल कर रहे होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। उनको क्या कहते हैं, जीन्स। एक बटा बेटा क्विकली से मैं आपको एक बार दोबारा से इसका रिव्यू दूं कि क्रोमोसोम्स क्या हैं और जीन कहां पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए क्या है। तो बच्चे देखें इस तरह से अगर हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इस तरह से हम इसके दो आर्म्स शो करते हैं, ठीक है, एक पी आर्म और दूसरा क्यू आर्म, और यहां पे बच्चे आपके पास होता है सेंट्रोमेयर। यहां पे क्या होता है, सेंट्रोमेयर, और ये होता है आपके पास क्यू आर्म, एक है आपके पास पी आर्म, ठीक है, और दूसरा है क्यू आर्म। अब बेटा इसमें क्या होता है, हमें पता है कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भी। इस तरह से क्रोमोसोम में ये जो डीएनए है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बेटा जीन्स कहां पे है, फिर यहां पे डिफरेंट जो हमने हिस्टोन प्रोटीन्स आपको बताई थी वो भी इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर क्रोमाटिन की फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। अब फर्ज करें कि ये वाला जो ये खास हिस्सा है क्रोमोसोम का, ये इसमें जो डीएनए है ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है आई कलर को, ठीक है, किसको कंट्रोल कर रहा है, आई कलर को। तो ये वाला जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का, इतना जो रीजन होगा जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। यही हमने डेफिनेशन की थी कि द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक फंक्शन, दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जीन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यहां पे एक जीन है जो आपके पास कंट्रोल कर रहा है किसको, आपकी हाइट को, ठीक है, वो यहां पे प्रेजेंट होगा। इस तरह क्रोमोसोम्स में आपके पास सैकड़ों हजारों की तादाद में जो डिफरेंट जीन्स हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और अपना जो फंक्शन है वो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटा, इसके हवाले से एक कंप्लीट मॉडल भी है, वॉटसन क्रिक मॉडल, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स की डेफिनेशन आएगी, ठीक है, जेनेटिक्स के बाद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बाद बच्चों करैक्टर, या करैक्टर को आप ट्रेड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ट्रेड की विद एग्जांपल, ठीक है। फिर हमने देखा है कि आपके पास डीएनए क्या है, जीन्स क्या है और कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमाटिन क्या है,
क्रोमोसोम्स क्या हैं। और बच्चे लास्ट पे हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखा है जिस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और वो है न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है बच्चे, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसको प्रिपेयर करें। अब बच्चे कुछ पता नहीं है नेक्स्ट क्या होने वाला है, लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन एक बात आप कंफर्म याद रखें कि जो पेपर है बेटा वो आपके होने हैं। अब इन क्लासेस को सीरियसली लें और साथ साथ जो चीजें बेटा आपको नोट करवाई जाएं या बताई जाएं उनको बेटा रेगुलरली क्या करें, नोट डाउन करें। अल्लाह हाफिज़।